हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो हम बात करेंगे, आ गई है सरकार की नई भर्ती जिसके अंदर एनटीपीसी का फॉर्म है। तो दोस्तों, एनटीपीसी है क्या, यहां पर कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब तक लिया जाएगा, और साथ ही साथ आप 10वीं कक्षा पर अप्लाई कर सकते हो या तो फिर 12वीं कक्षा पर, हम सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अंत तक बने रही, और आप भी दोस्तों चाहते हैं कि मुझे 2021 में एक सरकारी नौकरी आ जाए जिसका सैलरी भी बहुत ही अच्छी हो, तो ये मौका आपको जरा भी मिस न करें और सातों सात दोस्तों अंत तक बने रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक का बटन दबा करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भर्ती है एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2021 के तहत, उसमें यहाँ पर फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और यहाँ पर पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियर की है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की 24 फरवरी से लेकर लास्ट डेट है वो 10 मार्च तक की रखी गई है। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट है फ्री पेमेंट करने की 10 मार्च है। तो दोस्तों यहाँ पर मिस न हो जाए, वो ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो एनटीपीसी का रिक्वायरमेंट है 2021 के तहत, यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल सून, और यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको फीस देनी पड़ेगी 300 रुपये, और एससी और एसटी के लिए 0 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों वो भी आपको बड़े ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एज लिमिट है आपकी, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, पोस्ट यहाँ पर है 203 है और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। और यहाँ पर दोस्तों पोस्ट नेम है वो असिस्टेंट और इंजीनियर की है, मैंने पहले ही बता दिया था। जहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट का है वह 30 पद है और इंजीनियर के यहाँ पर 200 है, जहाँ दोस्तों पोस्ट यहाँ पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियर का है वो बीई और बीटेक में है, इंजीनियरिंग डिग्री में 60% होना चाहिए और 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे पहले तो यहाँ पर असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए एमएससी में केमिस्ट्री में मिनिमम 60% होना चाहिए। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर एससी एसटी के लिए ओनली पास रखा गया है। तो दोस्तों इतनी बात आपको भूलनी नहीं है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो एनटीपीसी रिक्वायरमेंट है 2021 के तहत, आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने में या तो फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पर हमारी मेल आईडी देख ही सकते हो, वहाँ पर हमें मेल करके जो भी इश्यू है आप बता सकते हो। साथों साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो यार वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथों साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फॉर्म हो अप्लाई कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।